नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तो आज आप धोरण सात अंदर विषय हिंदी में बढ़े कहानी विषय आप सीखवा बढ़े कहानी का मतलब क्या होता है। तो वह कहानी है वह छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि यहाँ कौवा और मुर्गी इस कहानी में पूरी नहीं है, यहाँ तो कुछ रिक्त स्थान है, उसको हम भर के फिर से ये कहानी बना ली है। तो मित्रों, हम पहले कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उस कहानी का नाम है कौवा और मुर्गी। एक कौवा था और एक मुर्गी थी, दोनों दाना लाते थे। और एक दिन कौवा दाना लेने के लिए गया और मुर्गी को कहा कि तुम इस दाने का ख्याल रखना कि कोई घर के अंदर आकर दाना न खा जाए। तो मुर्गी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं ख्याल रखकर बैठती हूँ यहाँ। इस तरह मुर्गी घर में भी और कौवा दाना लेने के लिए गया था बाहर। इस वक्त एक घोड़ा आया और घोड़े ने मुर्गी को कहा, मुर्गी मुर्गी मुझे दाना दो। मुर्गी ने कहा, नहीं मैं दाना नहीं दूंगा। फिर उसने फिर से कहा कि घोड़ा, घोड़ा ने मुर्गी को फिर से कहा और मुर्गी को दया आ गई घोड़े पर। और उन्होंने मुर्गी ने कहा कि ये रहा दाना। तो घोड़ा सारे दाने घोड़ा चट कर गया और मुर्गी देखती ही रह गई। इसी तरह घोड़ा दाना खाकर चला गया और मुर्गी वहीं की वहीं खड़ी रही। इसलिए उसके बाद कौवा आया और कौवा ने कहा, मुर्गी मुर्गी दाना किधर है। तो मुर्गी ने कहा और मुर्गी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तो मुर्गी को बहुत घबराहट महसूस हुई और मुर्गी ने कहा कि मैं क्या करूं, कौवा आए उसके पहले मैं एक चक्की के पीछे छिप जाती। इसीलिए और चक्की के पीछे छिप गए और घर में एक बिल्ली आई। उस वक्त कौवा भी आए और बिल्ली दोनों भी आए और कौवे को बिल्ली कहने लगी, कौवा कौवा मुझे तुम्हारी चक्की चाहिए, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, तुम दाना लेकर यहाँ आ जाओ और यह रही चक्की, इसमें दाना पीस लो। तो बिल्ली जब दाना पीसने के लिए चक्की के पास गई और वह दाना पीस रही थी, उसी वक्त वह दाना पीसती ही रही और उसमें से एक भी आटा न निकला, थोड़ा सा भी आटा बाहर न निकला। बिल्ली सोचने लगी कि ये सारे दाने गए कहाँ। तब पता चला कि चक्की के पीछे जो मुर्गी थी वह सारे दाने उसके मुंह में भरकर बैठी हुई थी छिप कर। और कौवे ने देखा कि वह मुर्गी है, वह सारे दाने छुप कर मुंह में डालकर बैठी हुई है। और कौवा और बिल्ली जोर से हंसे और उसकी हंसी छुपी न रही, इसीलिए मुर्गी भी जोर की हंसी, इसीलिए उसकी मुंह में से सारे दाने नीचे गिर गए और वह लाचार हो गई और उस पर शर्मिंदा हो गए। इस तरह यह कहानी है कौवा और मुर्गी की। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे और उसकी जो रिक्त स्थान है उसकी हम पूर्ति भी करेंगे। तो यहाँ है कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे, तो यहाँ रहते थे, रहते थे। एक दिन कौवा ने
खाली जगह ले, खाली जगह, यानी किसको कहते हैं यहाँ?
चक्की